Dear students, purpa class ra ame padhi dilu je differential equation ro eliminating arbitrary constant to form a differential equation. To mane amu differential equation to tiyari kariya pai amu kahithila. Ebe aj padhiba next kotha ra achi je kemiti differential equation ro solution bahar kariya. To heading ta dei dabu differential equation ro solution kemiti bahar kara jae. तो हेडिंग टाइप बहुत से ठीक ध्यान दियो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्यूशन पढ़े लाले में तो तुम कोई चीज दी रहा कथा जो सॉल्यूशन दी प्रकार रहा है ना गुट्टे हो जी जनरल सॉल्यूशन आउट हो जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन दी प्रकार सॉल्यूशन अछि हमर गुटे जनरल सॉल्यूशन गुटे अछि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन रे हमर आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहितबो ताकू कहबी जनरल सॉल्यूशन तमन जो सॉल्यूशन कंटेंस हला देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले कोन कहितबो ओटे पर्टिकुलर वैल्यू त जो कांस्टेंट ओटे कंटेन करथबो सी त जो सी ता ओटे कन्वर्ट हे जे मबल रियल नंबर बा इमेजिनरी नंबर जे कोन से नंबर हेले चलियो माने सी ता ओटे पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ट हे जे आइदर 1 2 एमदी फॉर्मेट रे कन्वर्ट हे जे और कंडीशन अब सब से दे थियो y0 इक्वल टू मनेगर y a इक्वल टू मनेगर b बाय एम दे थियो फंक्शन ऑफ a इक्वल टू b और दे थियो x इक्वल टू a y इक्वल टू b तो जदी एमि दुटे कंडीशन दे थियो सेत बेला हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन काढ परे तो ए जो सॉल्यूशन काढिया पई हमर किछि मेथड अछि ता बाकु हम जीवा एबे हेडिंग दियो जे जनरल सॉल्यूशन हम केमिति डिफरेंशियल इक्वेशन बाहर करे तो अपने ध्यान दे सॉल्यूशन बाहर करे को हेले हमर किछटा फॉर्मेट अछला फॉर्मेट माने हम गुटी लेखि दो जी ध्यान दे प्रथम फॉर्मेट हो कोन बोलो dy / dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ओनली ता माने बाबू हम बोलो सॉल्यूशन बाहर करे दो हमको एति की क्वेश्चन फेस करावे पड़ो तो हम गुटी डिफरेंशियल इक्वेशन थिवो dy / dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ओनली dy / dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ओनली dy / dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy मिसि कि थिवो माने ता फंक्शन ऑफ xy इनटू फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y थिवो नहले फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ y कि फंक्शन ऑफ y फॉर्मेट थिवो देन i भी कोन थिवो dy / dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x + y फॉर्मेट थिवो देन आउट हो जको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ ओनली फंक्शन ऑफ x तो प्रथमे को कोन कोले सॉल्व करू छी केमिति सॉल्व करा है ता प्रोसेस टा मते कहू छी let dy / dx equal to function of x that implies dy equal to function of x dx now to solve integrate on both sides that implies integration of ता कया कथा रे मनोर स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेशन करले हमर कैपिटल एफ ऑफ एक्स माने फॉर्मेट आसी विथ कांस्टेंट सी तो एटा कोइ कोला इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो हम नॉर्मली dy / dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x थिला तो ताकू सॉल्व करे हले मो टारगेट होची y पाखरे y रहइबो माने dy रहइबो x जगह रे x पाखरे dx रहइबो तो हेते हम एडी फंक्शन ऑफ x ओनली थिला तो ताकू बेस करी dx टाकू ता पाखू नै गेलै तो हेते dx टा तले ता पाखू नै गेलै मोर dy टा इक्वल एति आसीला तो एबे को इंटीग्रेट कर सला पर तार सॉल्यूशन टा बाहर कर दे ताकू बेस करी कि गुटे क्वेश्चन हम किछ क्वेश्चन करिया जानि परे ठीक आइडिया दर केते केमिति होइ छला तो प्रथम हम जीवा ए इक्वेशन को ए इक्वेशन टा हमर कोन अछि dy / dx इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x तो हमर एटा हम नॉर्मली हम देखि बार छु ए फॉर्मेट टा dy / dx ओनली फंक्शन बाय x फॉर्मेट रे अछि तो ताकु हम डेरिवेटिव करे माने ताकु सॉल्व करे गेले मते कोन करे रे अछि dy इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x होल इनटू dx हला तबे आ सॉल्व करे हले उभय सेट कोन करबी इंटीग्रेशन ने इंटीग्रेशन नेले कोन पाइबी dy इंटीग्रेशन हो जी y इक्वल टू आ को इंटीग्रेशन करले कोन करबी सॉरी इटा e टू द 2x
तो केते आसीबो e टू आर 2x बाय e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर माइनस x dx होला तो एटा कोन आसला e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c इक्वल टा केते आसला e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस तन कोन आसला सॉल्यूशन y equal to e to the power x minus e to the power minus x plus c. ये लिखिवो is the required solution of the differential equation. तब आओ ये ठीक ऐसा है तो हम ये equation ना पूर्ण solve करें सही format रहो ची ताको मुझे लिखी तो जिधे ध्यान दियो dy by dx equal to x plus 1 divided by 3x square plus 6x plus 5 रो रूट ऑफ होला तो एटा भी सही सेम फॉर्मेट रे अछि dy by dx इक्वल ई फॉर्मेट रे अछि त हम त कोन लिख परबी दैट इंप्लाइज dy इक्वल टू x plus 1 डिवाइडेड बाय 3x square plus 6x plus 5 dx तबे ई फॉर्मेट को आसला परे म एबे कोन करियो उभय साइड रे इंटीग्रेशन करते हला तो इंटीग्रेशन करे कोन एटा इंटीग्रेशन केते आसला दैट इंप्लाइज y इक्वल टू एटा इंटीग्रेशन x plus 1 divided by 3x square plus 6x plus 5 root over dx. Hello. तो आपको इतना आपको solve करेंगे क्या मित्र कौन करेंगे तो नए भी इरा मना करो. Let 3x square 6x plus 5 equal to t square. That implies 6x plus c dx root t dt that implies dx equal to 2t divided by 6x plus 6 minute x common 1 dt तब कौन करें ये फॉर्मेट अब क्या that implies y equal to integration over x plus 1 divided by 3x square t kata ithulu t square root over kata asila t into dx ra value kata asila t divided by x plus 1 dt hela t t cancel x plus 1 cancel equal to kata asila integration over dt equal to kata asila t plus c hela tabe t ra value ab kata asita root over tale kata asila 3x square प्लस 6x प्लस 5 आ मोटे मिस्टेक लेट रे छाड़ी जाय 3 अछि हला 3 तले एटा केते आसला 1 बाय 3 एटा केते आसला 3 तने रूट ओवर डिवाइडेड बाय 3 प्लस c हला दैट इंप्लाइज y इक्वल टू 1 बाय 3 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एतिके प्लस is the required solution of the differential equation eti hela to aku au di ta am kar deli au jun di ta achi tumi nije karibo then taku base kar ki amar elements bohro jun differential equation achi hela taku complete karibo hela then next au format la kono dy by dx only f of y dy by dx equal to f of y only ताकु म कोन केमदि करबी तो जो dy अछि ता बाकु फंक्शन ऑफ y एसो dx ता अल्फा को तले मडे कोन लिखबी dy डिवाइडेड बाय f ऑफ y इक्वल टू dx हला तबे म कोन करबी इंटीग्रेट हला कोले कोन आसीबो एटा को मन कर आसो मन रो कैपिटल f ऑफ y इक्वल टू आछे कोन x plus c इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हला देन किछ क्वेश्चन आकु बेस करियो किछ क्वेश्चन हम कोले जानबे कौन अछि dy by dx equal to sin y हला तो एटा सही फॉर्मेट अछि त हम लिखि परिमि dy divided by sin y equal to dx हला दैट इंप्लाइज एटा केते आसीबो cos y dy equal to dx हला एटा को कोन करबी इंटीग्रेशन करबी Thank you.
ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହବ ଆମର ଆସି କ'ଣ କଲ, ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେକର ଅଛି ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମନେକର ଅଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଫର୍ମାଟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିବ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଭେରିଏବଲ୍ ସେପାରେସନ୍ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଭେରିଏବଲ୍ ପାଖକୁ ତା'ର ଡିୱାଇ ଟର୍ନ ମାନେ କ'ଣ କଲେ କନେକ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଫ୍ ୱାଇଟା ଡିୱାଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଏକ୍ସ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମନେକର ଏଇଟା ଆସୁ ମନେକର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏଫ୍ ଓ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମନେକର ଆସେଟା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା ଇଜ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଆକୁ ବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକୁ ଅଛି ଆମର ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ତ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ୱାଇର ଟର୍ମକୁ ଡିୱାଇ ପାଖକୁ ଆଣିବି, ଏକ୍ସ ଟର୍ମକୁ ଏକ୍ସ ପାଖକୁ ମାନେ ଡି ଏକ୍ସ ଫର୍ମାଟକୁ ଲେଖିବି ହେଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏଇଟା ଡିୱାଇ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଏକ୍ସ। ତ ଏବେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା ଟାନ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଜେନେରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଦୁଆର ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ଇଟ୍ ଦୁଆର ଥ୍ରୀ ୱାଇ, କାରଣ ଆମର ଫର୍ମାଟ ହେଉଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବି ଇଟ୍ ଦୁଆର ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଇଟ୍ ଦୁଆର ଥ୍ରୀ ୱାଇ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିବି କ'ଣ କରିବି ଭେରିଏବୁଲ୍ ସେପାରେସନ୍ ଏଇଟା ଆସିବା ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ଇଟ୍ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଡି ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ହେଲା। ଏବେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କଲାପରେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲେ ଚଳିବ, ବଟ୍ ଏମିତି ବି ରଖିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେବ ଆମର ଆସୁଛି ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସେ ହେଲା, ଏମିତି ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଲେଟ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟି ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଆକୁ କ'ଣ କରିବ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିବ, ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ଆସିଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଟି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ହେଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସଟା କେତେ ଆସିଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଟି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ଏତିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଖାଲି ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ପୁଟିଂ କରିବ ହେଲା, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ପୁଟିଂ କଲେ ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ଆସିବ ଡି ଟି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡି ଟି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଡି ଟି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଟି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଟି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ହେବ, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଟି ଫର୍ମାଟରେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଓନ୍ଲି ଟି ଫର୍ମାଟରେ ଅଛି ମାନେ ଭେରିଏବୁଲ୍ ସେପାରେସନ୍ ମାନେ ଟିଟାକୁ ଡି ଟି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମୋର କେତେ ଆସିବ ଡି ଟି ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଏକ୍ସ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆକୁ କ'ଣ କଲେ ସଲ୍ଭ କରିବି ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଆକୁ ବେସ୍ କରି ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଟିକେ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ କେମିତି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବି ଲେଟ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଟି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଟି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଣି ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ମାନେ ପୁଟିଂ କରିବି, ଆଉ ପୁଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଡି ଟି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ
cos t, that implies dt by dx equal to 1 plus cos t, that implies dt by 1 plus cos t equal to dx, that implies 1 minus cos t divided by 1 minus cos square t dt equal to dx. Theta katasla 1 minus cos t divided by sin square t dt equal to dx. That implies এবে নরমাল ফর্মুলা আছে না কোয়েন্ট ইন্টিগ্রেশন করে দিলি দ্যাট ইমপ্লাইজ is the required solution of the differential equation. The next one is dy by dx equal to e to the power x plus y. हैला आपको तुम दी प्रकार कर पारे वेरिएबल सेपरेशन दर कर पारे बाय x + y को t धर के कर पारे हैला किछ असुविधा नै ताको नॉर्मली मे एमिति फॉर्मेट रे कर पारियो हैला त नै पारे मन करो लेट x + y equal to t दैट इंप्लाइज dy / dx equal to dt / dx - 1 एटा उठे ध्यान दे हैला मु कोन कोनली तळे उठे e to the power t कॉमन आली त कते आसलाटा 1 plus e to the power minus t ऊपर रहिला t t equal to dx हला त ए e to the power t टा ऊपर गला कते आसे e to the power minus t के ध्यान दे ताको हला हला एबे सॉल्व करा कर इंटीग्रेशन एटा त मने बी लेट 1 plus e to the power z दैट इंप्लाइज e to the power minus t dt equal to dz तने माइनस टा आसे ने माइनस हला तने कते आसला इंटीग्रेशन ओवर माइनस dz डिवाइडेड बाय z इक्वल टू x प्लस c हला तोडा कते आसला लॉन 1 बाय z इक्वल टू x प्लस c दैट इंप्लाइज लॉन 1 बाय z रहलो बेतिक अछि पके दो 1 प्लस e टू द पावर माइनस t इक्वल टू x प्लस c दैट इंप्लाइज एटा केते आसीबो लॉन e टू द पावर t डिवाइडेड बाय e टू द पावर t प्लस इक्वल टू x प्लस c एटा केते आसीबो लॉन e टू द पावर t माइनस लॉन 1 प्लस e टू द पावर t इक्वल टू x प्लस दैट इंप्लाइज t माइनस लॉन 1 प्लस e टू द पावर t रो वैल्यू केते थिला हमरो x प्लस y इक्वल टू x प्लस हला दैट इंप्लाइज ए जो t रो वैल्यू हम पुटिंग कर पर में x प्लस y x x कैंसिल तने y टा जीवा ई फॉर्मेट तने हम लिखि परिमि y माइनस c इक्वल टू लॉन 1 प्लस e टू द पावर x प्लस y तो दैट इंप्लाइज ए लॉन टाइप का क्वेश्चन करता असला e टू द पावर y इनटू c1 इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर x प्लस y एति को छि आउट को सिंपलीफाई कर लेबी चलो किछ असुविधा नै हला बट एटा को एते क्रिटिकली करियो नै हला जस्ट के आइडिया रखि दो जे हम नॉर्मली को कला एटी जदी क्वेश्चन ता हम एतर करू जे हला वेरिएबल सेपरेशन मेथड द्वारा भी आपको करि पारि हला वेरिएबल सेपरेशन माने मोटा डायरेक्ट लिख परिम कते गलो e टू द पावर x फॉर्मेट रे त लिख परे dy / e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन एडा कते असला माइनस e टू द पावर माइनस y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस नेक्स्ट अब होची सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आउट ध्यान दे कौन को
सेकंड ऑर्डर जो कहूँ कौन कहे ये फर्माटे अच्छे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स थला तो मैं यहाँ लिखिपर दैट इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दैट इम्प्लाइज ये डी वाई बाय डी एक्स टाक मन कर लेट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जेड तले टाक लिखिपर दैट इम्प्लाइज डी जेड बाय डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हला तो अब वेरिएबल सेपरेशन कर दी तले कौन लिखिमि डी जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल इनटू डी एक्स ताको इंटीग्रेशन कर दी इंटीग्रेशन कले केते आसला डी जेड इंटीग्रेशन जेड इक्वल टू मन करो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी1 आसला हला तो अब पुनी कोन करिम जेड रो वैल्यू मते जणा आछि केते डी वाई बाय डी एक्स इक्वल जहाँ थी से रहा देन एवं पुणी से फर्माट पल आसा तो कौन लिख पारि दैट इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू होल इन टू डी एक्स है पुणी इंटीग्रेसन कल दैट इम्प्लाइज डी वाई इंटीग्रेसन के वाई तो ये ध्यान दे बड़ एफ एक्स मन आसा जी एफ एक्स प्लस सी वन इंटीग्रेसन के सी वन एक्स प्लस आसला सी टू है तो यहाँ हूँ कौन कल रिक्वायर्ड सल्यूशन अफ द डिफरेन्शियल इक्वेशन टे नोट कर दिए भलसे देन एम क्वेश्चन को आसवा है अच्छी कौन कहला डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व एक्स तो मुझे लिखिपर डी बाय डी एक्स अफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स है लेट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जेड है दैट इम्प्लाइज डी जेड बाय डी एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स दैट इम्प्लाइज डी जेड इक्वल टू ट्वेल्व एक्स डी एक्स एवं सल्यूशन एंड इंटीग्रेशन दैट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू सी वन है देन अगेन दैट इम्प्लाइज जेड्र भैल्यू थी डीवाई बाय डी एक्स इक्वल के आसला सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी वन है दैट इम्प्लाइज डीवाई इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी वन होल इन टू डी एक्स एवं इंटीग्रेशन दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब हम कौन कहते हो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एमती थी कि एमती फॉर्मेट रे कंडीशन अब देखिए ध्यान दियो वाई ऑफ ए इक्वल टू बी थी ना एफ ऑफ ए इक्वल टू बी थी और एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू पी थी तो मो टार्गेट हूँ कौन कल जो आर्बिटरी कांस्टेंट को चेंजेस करेंगे तो कमी कर ध्यान दे गए क्वेश्चन देखने आम जानपर है तो यहाँ कौन करी दैट इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ तरह सल्यूसन रास्ता एवं सल्यूसन कड़े गाला इंटीग्रेसन कली इंटीग्रेसन कला के आसला वाई इक्वल टू मनकर कैपिटाल एति आसला प्लस सी है यहाँ हूँ कौन कल जेनेल सल्यूसन यहाँ कौन कहते हैं जेनेल सल्यूसन एवं मोर दरकार पर्टिकुलर सल्यूसन मैंने सी कंडीशन को सैटिस्फाई कर वाई अफ ए इक्वल टू बी मैंने एक्स रैल्यू ए पकड़े मुझे वाई रैल्यू बी पाँच यहाँ नुहे कि वाई इक्वल टू ए एक्स इक्वल बिना एक्स जगार ए पुटिंग कले वाई रैल्यू बी पाँच एटा विषय एक्स जगार ए पुटिंग कले वाई रैल्यू बी पाँच तो मैंने से लिखी दीजिए एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी तो मुझे जब पकईनि वाई रैल्यू तेज़े कौन पकेबे यहाँ हूँ इक्वेशन वन दे दिव वाई रैल्यू तेज़े के बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस सी तो दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू के आस माइनस एफ ऑफ ए है ये मुझे कौन पाइली कल बी आफ ऑफ एटा हो कह कांस्टेंट तो से गोटे पर्टिकुलर वैल्यू बाहर से इक्वेशन वन पुटिंग करदेवि तो पुटिंग करदे के आसला दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
plus b minus f of a is the required particular solution. देखो हम रिटर्न दियो हमरे दीटा क्वेश्चन अब अछि गुटा छि dy / dx अछि इक्वल टू एतिके कंडीशन दे छि f of 0 = 2 आउट दे छि ए कंडीशन ला हम प्रथम दीटा कंप्लीट कर दई त आउट जानि पर एक्चुअल के मेरे सॉल्यूशन बाहर तो हमरा क्वेश्चन अब अछि गलो एक नोट दे द dy / dx = cos x f of 0 = 2 तो ए कंडीशन दे छि देन आउट सेकंड क्वेश्चन दे छि d स्क्वायर / dx स्क्वायर ए कंडीशन दे छि तो हम प्रथम ए क्वेश्चन करियो ए क्वेश्चन करया कले हमर कंडीशन कोन दे छि dy / dx = एति कि तले हम तको एकर बाहर करे वेरिएबल सेपरेशन कर देले केते आसीबो dy / dx = cos x dx एबे को सॉल्व करया कले इंटीग्रेशन करबी इंटीग्रेशन कले लेफ्ट हैंड साइड केते पाइली y = sin x प्लस सी एटा जो बोले जनरल सॉल्यूशन हैला जनरल सॉल्यूशन को हम एटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन रे कंडीशन पुटिंग करया केते x = 0 y = 2 एटा जो कंडीशन x रे वैल्यू 0 पकेने y रे वैल्यू 2 पाए तने x = 0 y = 2 तने कोन पाइमे 2 = sin 0 + c दैट इंप्लाई sin 0 जे 0 मुलेला तने दैट इंप्लाई c = 2 तो c रे वैल्यू तले जो 2 पाइली सेटा ने कि इदी इक्वेशन एटा मोर इक्वेशन 1 था से इक्वेशन 1 रे पुटिंग कर दल तने कोन लिखमी पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट sin x + 2 इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ए लिखियो कोन कलो इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हला ठीक लिखि दिटे देन सेकंड हाफ से एक इक्वेशन को ए इक्वेशन में लिखिया गेल मतलब कोन लिख परि में एमते लिख परि में d / dx ऑफ dy / dx इक्वल टू 6x हला तो ए जो डॉट आउत त हम धरथिले z धरथिले त ने ने जे z इक्वल नै गेला परे त केते पाइ में d / dx ऑफ z इक्वल केते आसला 6x बुझल ने त लेबे हम लिख परि में दैट इंप्लाइज dz इक्वल टू 6x dx एबे इंटीग्रेशन करली इंटीग्रेशन बला कोन पाइली z इक्वल टू 6x स्क्वायर / 2 + c1 दैट इंप्लाइज z रो वैल्यू केते पाइली 3x स्क्वायर + c1 हला एटा ओटा नॉर्मल इक्वेशन आसीला तो हमर बे कंडीशन ओटी ध्यान दियो एटा को लिखि परिम z रो वैल्यू केते थिला हमर dy / dx तले dy / dx इक्वल केते पाइली 3x स्क्वायर + c1 ए फॉर्मेट रे पाइ त एबे मो टारगेट हो गेलो dy / dx रे वैल्यू दे छी केते 2 दे छी तान मो एटा कोन पुटिंग कर परिम दैट इंप्लाई 2 इक्वल टू x रे वैल्यू केते दे छी 0 तले केते लिखिम 0 + c1 दैट इंप्लाई c1 इक्वल टू 2 तो c1 ले वैल्यू तले 2 पाइली त ताके ने कि इक्वेशन ले पके देबे इक्वेशन ले पके देबे त पके ला पर मो तले कोन पाइली dy / dx इक्वल टू 3x स्क्वायर + 2 ये उड़ी इक्वेशन पाई पुणे मतलब आखिरी सुता को सॉल्व करेगा ची तो सुता को सॉल्व करेगा के लिए मतलब को कौन करेगी पुणे तक वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट लिखी भी दैट इंप्लाइज dy इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 इनटू dx तो ताको पुणे तक इंटीग्रेशन कर लेने तक आई लिखा y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस आउट लिख देने वाला c2 एटा होता जनरल सॉल्यूशन टा तो एबे हमर कंडीशन आबो थिला कोन कलो x रे वैल्यू कते थिला 0 y रे वैल्यू कते थिला 1 तने मडी कोन पाइबी दैट इंप्लाइज 1 इक्वल टू दीटा कोन कलो 0 प्लस 0 प्लस c2 दैट इंप्लाइज c2 इक्वल टू 1 तने ई वैल्यू टा ने केट पुटिंग कर देले तने कोन पाइबी दैट इंप्लाइज y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस c2 ते जो c2 जगह हम कोन पुटिंग करबी 1 इटा हम लिखिबी इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो अब उठे ध्यान दियो ए जो क्वेश्चन जति हला हमर डिफरेंशियल इक्वेशन रो फर्स्ट जो 12 a हला से जो अछि जोटा अछि ता गोटे सरी जाय छी तो ताकू बेस करकी जति क्वेश्चन अछि ताकू कंप्लीट करबो थैंक यू